इंडिया की जगह भारत नाम इस्तेमाल किए जाने पर क्या कुछ बोली महबूबा मुफ्ती। आखिर क्यों इंडिया की जगह भारत नाम इस्तेमाल होने की उठी बात। क्या बीजेपी इंडिया का नाम बदलकर भारत रखेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में अपने पूर्व सहयोगी बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने संसद में बहुमत के दम पर पूरे देश को अपनी जागीर समझ रही है। मुफ्ती ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने उसमें लिखा कि भारत की विविधता में एकता के मूलभूत सिद्धांत के प्रति भाजपा की नापसंदगी एक नए निचले स्तर पर पहुंच गई है। हिंदुस्तान और इंडिया लेकर भारत के कई नामों का महत्व घटाकर अब केवल भारत करना उसकी संकीर्णता और असहिष्णुता को दर्शाता है। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की यह टिप्पणी कांग्रेस के उस आरोप के बाद आई है कि G20 रात्रि भोज के निमंत्रण में राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत कहकर संबोधित किया गया है और विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इंडिया से डर एवं नफरत के चलते नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार देश का नाम बदलने में जुट गई है। इस मुद्दे पर सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भाजपा की आलोचना करते हुए यह भी कहा, भारत की आजादी के बाद के इतिहास में पहली बार प्रचंड बहुमत वाली कोई पार्टी पूरे देश को अपनी जागीर समझ रही है। महबूबा मुफ्ती ने एक पर भारत के राष्ट्रपति का एक कथित निमंत्रण कार्ड भी पोस्ट किया जिस पर लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। उनके द्वारा पोस्ट किए गए निमंत्रण कार्ड पर प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।